हेलो, आज हम जा रहे हैं ड्रैगन मार्ट। सो जब लेह लद्दाख की बात होती है तो सब लोग समझते हैं कि बड़ा रिमोट एरिया है, काफी दूर है, लेकिन यहाँ भी मॉडर्न फैसिलिटीज अब अवेलेबल हो रही हैं और लद्दाख में लेह सिटी में एक मार्ट ओपन हुआ है। हालांकि टाइम तो काफी हो गया, हम लोग अभी तक गए नहीं, ड्रैगन मार्ट। सो ड्रैगन मार्ट आज हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ हैं संगरूप सर, इनकी इच्छा थी, और एक्चुअली आज संगरूप सर नहीं बोला कि चलो भाई ड्रैगन मार्ट चलते हैं, काफी दिन से प्लान था हम लोगों का। सो बच्चा पार्टी भी तैयार है, चला जाए भाई, लेट्स गो। लोग आ गए हैं ड्रैगन मार्ट। ये सभी नाम तो काफी सुना था, चलिए अंदर चल के देखते हैं। ग्राउंड फ्लोर का एरिया पार्किंग का है और हमारी गाड़ी ये पार्क है। सामने है एंट्री, भाई मास्क लगा लो अब। ये है एंट्री, अरे वाह, लिफ्ट को भी यूज कर सकते हैं। स्टेयर्स, हम लोग स्टेयर्स को यूज करने वाले हैं। चलते हैं ऊपर। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट, थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। और देख रही है चॉकलेट। और यहाँ पे मास्क लगाना कंपलसरी है। क्या है, तो ये तन्नो के लिए ले लिया न्यूट्रेला। आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े मॉल्स में शॉपिंग की होगी, लेकिन जब आप बात करते हैं सुदूर एरिया लद्दाख के रीजन का और वहाँ पे एक सुपरमार्ट का खुलना और वहाँ पे आपका जाके शॉपिंग करना, ये बहुत अच्छा फील है। और क्योंकि मैं 2 महीने बाद आई हूँ तो घर का सारा ग्रॉसरी का सामान जो था वो ख़त्म हो रखा था, मुझे चाहिए था, तो मैंने कहा इस बार मैं पक्का मार्ट जाऊंगी। अब बात करते हैं आपको क्यों विजिट करना चाहिए सुपरमार्ट में, क्योंकि आपको यहाँ पे काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे और वैरायटीज़ वाइज बहुत सारी चीज़ें दिख जाती हैं, तो आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना होता है कि आपको यही लेना है या नहीं लेना है। और ये रही हमारी एलिना, नीरज सर की बेटी, और मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को साथ में लाने की, सभी साथ में आए, और कैंपस में भी सभी लोग मेरे बच्चों को भी लेके जाते हैं, और हमारे जेएनवी में सभी एक फैमिली की तरह रहते हैं और इन लोगों की शॉपिंग जैसे ख़त्म होने का ना भी नहीं ले रही है। और सबसे ज़्यादा परेशान तनु ने करके रखा है, ये अपने पापा को बस प्यारी प्यारी सी आंखें दिखाती है और यहाँ वहाँ से सामान उठा के ले आती है, और इनके पापा को तो जैसे तनु को मना करना आता ही नहीं है। ये देखिए ड्रैगन फ्रूट लेके आ गई है बहन जी। धीरे धीरे बच्चों के आइटम्स बढ़ते ही जा रहे हैं और आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे चीज़ें मिल रही हैं, तो ये देख के अच्छा लगा, क्योंकि मॉल का नाम सुनते ही एक्सपेंसिव थिंग्स दिमाग में आती हैं। और मेरा मकसद आपको ये दिखाना नहीं है कि मॉल की शॉपिंग, लेकिन जब आप बात करते हैं ना लद्दाख की, तो लद्दाख एक ऐसा रीज़न है कि ये पूरे इंडिया से 6 महीने के लिए कट ऑफ हो जाता था। आज से 3 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि लद्दाख में आपको जनवरी फरवरी में इतनी हरी सब्जियां मिलेंगी, लोग सुखा के रख देते। जब मैं आई थी 2020 अगस्त में, तो हमने भी सब्जियां सुखाई हुई थी क्योंकि लोगों से सुन रखा था कि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, इनफैक्ट हमने टमाटर भी सुखा के रखे हुए थे। लेकिन जब से ये लद्दाख यूटी बना है तब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। यूटी बनने से लद्दाख वालों को बहुत फ़ायदा हुआ है और सब्जियां हो या ज़रूरी सामान हो वो सरकार कोशिश करती है कार्गो से यहाँ पे भेजने की, तो उसका चार्ज भी आपको देना पड़ता है। ये बात सही है कि सब्जियां फ्रूट्स थोड़ा महंगी हैं, आपको ट्रिपल, हमारे यहाँ उरई से तो ट्रिपल प्राइस है यहाँ पे, क्योंकि आपको 20-30 रुपए में टमाटर मिल जाएंगे, वो हम यहाँ पे 180-190 खा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपको मिल रहा है और ये चीज़ खलती नहीं है, क्योंकि जब हम सेकेंड टाइम, पहले तो मुझे लगता था, लेकिन जब हम सेकेंड टाइम अपनी गाड़ी से आए ना
और भाई रोड आए थे मनाली होते हुए, तो पूरे टाइम हम प्रेयर कर रहे थे बस भगवान कैसे हम अपने घर पहुंच जाएं, लद्दाख पहुंच जाएं, जबकि बीआरओ ने बहुत अच्छे रोड दिए हुए हैं, फिर भी आप इतनी हाइट पे होते हो और इतने छोटे छोटे रोड होते हैं कि वहाँ पे क्रॉस करना या कुछ भी करना बहुत बस जैसे लगता है ना दिल आपके हाथ में आ गया है, ऐसी फीलिंग आती है। और वहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही हैं और सब्जियाँ खरीदते हुए मेरा तो दिवाला निकल गया, लग रहा है कि जैसे मैंने शॉपिंग नहीं पता नहीं क्या कर लिया है। और फ्रूट्स ब्लूबेरी या कुछ भी है 360 का, बाबू तन्नू बोल रही थी स्ट्रॉबेरी ले लो मम्मा, सब कुछ एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी मुझे मार्ट आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कहानियाँ आपने सुन रखी होती है ना और देखी होती है कि हाँ यहाँ पे चीज़ें नहीं मिलती हैं और वो चीज़ आपको फेस नहीं करनी पड़ती है, वो सुकून होता है कि भले आपको थोड़ा चार्ज देना पड़ रहा है लेकिन आपको चीज़ें मिल रही हैं। मैंने खुद कितने ट्रक पलटे हुए देखे हैं, जब मनाली से आई थी ट्रक पलटे हुए हैं, उनका अस्थि पंजर निकला हुआ है, और ट्रक वाले कैसे कैसे सामान यहाँ पे लाते हैं भाई, उनके लिए एक एक सलाम तो बनता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ आके, और आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। और हमारा बिल आ गया है ये, और हम लोग जाते हैं घर के लिए। शॉपिंग के बाद हम लोग हैं लद्दाख हिमालयन बेकरी के बाहर, सो बच्चे भी साथ में थे तो हम लोगों ने यहाँ से एक छोटा सा केक लिया है बच्चों की ट्रीट के लिए। सो चलिए चलते हैं अब हम लोग घर, और वहाँ बच्चों की पार्टी होगी। कौन काटेगा केक? मैं। तीन लोग छोटे छोटे काटेंगे, तन्नू, तन्वी और एलिना। आ जाओ तुम दोनों पीछे से। अरे हाँ एक हाथ से एलिना, आओ गुल्लू। जो को सर्व करने के बाद ऐसा लगा जैसे कि आज का दिन पूरा हो गया, बच्चों के चेहरों पे एक खुशी थी और सब एंजॉय कर रहे हैं खा के केक। क्योंकि मुझे केक बहुत पसंद नहीं है तो मैं अवॉइड ही करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं, बाय।